बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक इंतहाई सिंपल एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। करना हमने कुछ यूँ है कि ये दो सेल आप देख रहे हैं, यही सेल हमारे घरों में मौजूद टेलीविजन और एसी को चलाने के लिए रिमोट में इस्तेमाल होते हैं, और आज हमने इनकी मदद से कुछ चलाने की कोशिश करनी है। लेकिन ये सेल काम कैसे करते हैं? एक्चुअली इनके अंदर चार्ज होते हैं। जब हम इनको आपस में किसी भी चीज़ के साथ जोड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करते हैं, यानी कि मूव करते हैं, जिससे क्या होता है, करंट पैदा होता है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, यानी कि ये वाली साइड, और ये है इसकी नेगेटिव टर्मिनल। अब इन ये ब्लेड हमारे पास मौजूद है, इन ब्लेड को हम हाफ तोड़ देंगे। एक हाफ ब्लेड इसके नीचे लगाएंगे और दो हाफ ब्लेड लगाएंगे इसके ऊपर, और देखेंगे क्या करंट फ्लो करता है, क्या स्पार्क होता है या नहीं होता। तो चलिए शुरू करते हैं। देख सकते हैं किस तरह ये हो रहा है, अमेजिंग, सुपर। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह ये चिंगारियां निकल रहे हैं, यानी कि स्पार्क हो रहा है, यानी कि ये देख सकते हैं, यानी कि इसमें से इनमें जो चार्ज हैं वो मूव हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह माचिस की तीली जो जल चुकी है। ये काफी ज्यादा आसान था, क्योंकि माचिस की तीली ने तो जलना ही था, क्योंकि स्पार्क ही इतना ज्यादा हो रहा था। अब हमने इस स्पार्क की मदद से जलानी है सिगरेट, लेकिन सिगरेट पीने का मशवरा मैं आपको बिल्कुल भी नहीं दूंगा। यानी कि आप कोई परेशानी दो काश भी ना लावे। रुको जरा, सबर करो, क्योंकि अगर आपके फेफड़े खराब हो गए और आपकी सांसें बंद हो गई तो उसमें मेरा कोई कसूर नहीं होगा। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। कि किस तरह हमने घर में आम इस्तेमाल होने वाले सेल्स की मदद से सिगरेट जलाई, माचिस जलाई, इन्हें इससे मालूम होता है कि हम इससे आग भी जला सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखना। गुड बाय।